राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम देख रहे हैं साहित्य क्लासेज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश कंपलसरी कक्षा 12th, और इसमें नो पार्ट हमने पहले पढ़ लिए। आज हम पार्ट पढ़ेंगे 10वां, और जिसका पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट। इसके भी दो भाग हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे और जिसका टाइटल है डीप वाटर, यानी गहरा पानी। गहरा पानी। थोड़ा सा इस पार्ट के बारे में बता दूं कि यह पार्ट विलियम डगलस का लिखा हुआ है, विलियम ओ डगलस, जो एक छोटे बालक की कथा है। और वह छोटा बालक जो पानी से डरता है, और पानी से डरने के उपरांत उसके साथ कुछ मिस एडवेंचर भी हो जाती है, यानी दुर्घटनाएं भी हो जाती है। वह बच्चा जिसे पानी में किसी एक यंग बॉय के द्वारा डाल दिया जाता है, और वह पानी में किस प्रकार का महसूस करता है, वही इस कहानी में लिखा हुआ है। बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी कहानी है, हार्ट टच है। इसलिए आप ध्यान पूर्वक इसे सुने, और इसमें से इसके जो 20 क्वेश्चंस बनाए गए हैं, पार्ट फर्स्ट के 10 और पार्ट सेकंड के भी 10, तो ये 20 क्वेश्चंस भी बनाए गए जिससे अपना पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। पीछे के जो पार्ट 9 पार्ट हमने पढ़े, उन सभी पार्टों के आंसर्स बहुत सारे विद्यार्थियों ने भेजे, और मैंने चेक भी किया कि आप सभी का के जो उत्तर हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप मेहनत करके पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए। रही बात अपने इस सेशन की कि इसमें कौन से पार्ट रहेंगे, कौन से पार्ट नहीं रहेंगे, हमें ये मानना चाहिए कि पार्ट सारे ही रहेंगे, क्योंकि हमारी जो तैयारी है वो उसी हिसाब की होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं। आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए 9610208295 इन पर अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें आप अपने प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं, और अन्य विषय जो है अपने यहाँ से हिंदी कंपलसरी है, हिंदी साहित्य है, क्योंकि साहित्य क्लासेज है तो साहित्य तो है ही है, हिंदी साहित्य है, पॉलिटिकल साइंस है और इंग्लिश है। ये जो सब्जेक्ट है आपके यहां अपलोड किए जाते हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि परीक्षा से संबंधित जो भी सामग्री डाली जाती है, परीक्षा के पश्चात भी आपके लिए जो सामग्री डाली जाएगी आपके लिए लाभदायक होगी। तो आइए चलते हैं अपन पार्ट पे और देखते हैं। देखिए, आपका ये पार्ट डीप वाटर, जिसपे लिखा हुआ है गहरा पानी, जिसका अर्थ है गहरा पानी। देखिए, शुरुआत कीजिए। इट हैड हैपेंड, यह घटना घटित हुई थी। व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। कब घटित हुई थी? व्हेन डिड इट हैपन? व्हेन ही वाज ओनली 10 और 11 इयर्स ओल्ड, जब वह केवल 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैं तैरना सीखने का निश्चय कर चुका था। आई हैड डिसाइडेड, यानी मैंने निश्चय कर लिया था, टू लर्न सीखना, टू स्विम तैरना सीखना का मैंने निश्चय कर लिया था। देयर वाज ए पूल एट द YMCA, यानी यंग मेन्स जो कॉरपोरेशन एसोसिएट जो थी, वहां एक YMCA में एक तालाब था, और इन यकीमा नदी पर, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो कि तैराकी से संबंधित अवसर प्रदान करती थी वहां पर, यानी यकीमा नदी के पास YMCA में एक तरण ताल था, स्विमिंग पूल था, जो इस प्रकार की तैराकी सिखाया करता था। वहां पर वो क्लब सिखाते थे। द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचर्स, ट्रेचर्स का अर्थ होता है खतरनाक। ट्रेचर्स का अर्थ क्या होता है? खतरनाक। यकीमा नदी बहुत खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्न्ड
लगातार वर्ल्ड चेतावनी देती थी अगेंस्ट इट, इस नदी के विरुद्ध। माँ जो है वो हमेशा ये चेतावनी देती थी कि नदी बहुत खतरनाक है, इस नदी में से आपको बच के रहना चाहिए। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डेंजर्स ऑफ ईस ड्राउनिंग इन द रिवर, और सदा प्रत्येक जो डूबने की घटना है या यकीमा नदी में डूबने की घटनाएं है वो मेरे मस्तिष्क में तरोताजा कर देती थी। माँ जो है वो नदी में डूबने की घटनाओं के बारे में आए दिन बताया करती थी और वो मेरे मस्तिष्क में ताजा रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन ये YMCA जो तरणताल था वो सुरक्षित था। कैसे सुरक्षित था? हाउ वॉज इट सेफ? बिकॉज इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड, यानी छिछला जो छोर था उस छोर पर ये 2 या 3 feet गहरा था। ये जो तालाब था, इस तालाब की जो गहराई थी वह 2 या 3 feet ही थी, जैसे यहां से यहां तक, यहां जो है इनके इस प्रकार ये तस्तरी नुमा था। तो ये कहते हैं कि इसका जो प्रारंभिक छोर जो था वहां पे ये 2 या 3 feet था, एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और कुल मिलाकर ये 9 feet गहरा था। कुल मिलाकर कितना था? 9 feet। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और इसकी जो गहराई है वो धीरे धीरे बढ़ती थी। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर रिंग्स, मैंने जलपंख लिए खरीदे, एंड वेंट टू द पूल, और मैं तालाब पर चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, मैं नग्न होकर के या निवस्त्र होकर के और तालाब में जाने से घृणा करता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, मेरी जो दुबली पतली टांगे हैं उनको दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं उसे तालाब में नेक्ड प्रवेश नहीं करना चाहता था। बट आई सबड्यू इट, मैंने नियंत्रित किया। माई प्राइड एंडेड इट, मैंने मेरे इस अहंकार को नियंत्रित करके और मैंने ये किया। अर्थात तैरने के लिए जिस पोजिशन में, जिस मुद्रा में तैरने के लिए जाना होता है उसी मुद्रा में मैं जाने लगा। देखिए यहां पर एक प्रश्न बनता है, प्रश्न है When did Douglas decide to learn to swim? Douglas ने, यानी इस लेखक का नाम Douglas है, यहां पर author भी आ सकता है, यहां पर Douglas से author आ सकता है, narrator नाम आ सकता है, इनमें से कोई भी। तो When did Douglas decide to learn to swim? Douglas ने तैराकी सीखने का कब निर्णय की लिया, कब निश्चय किया? अब देखिए ये did से आया हुआ था, आप क्या लिखेंगे? Douglas decided to learn to swim when he was only 10 or 11 years old. यहां से भी लिख सकते हैं when he was only 10 or 11 years old, Douglas decided to learn to swim. ऐसा आप लिखोगे इसको, Douglas decided. अब decided आएगा क्यों? क्योंकि ये did का प्रयोग नहीं होगा, verb की second form होगी। Douglas decided to learn to swim when he was only 10 or 11 years old. ऐसे हो जाएगा ये कि जब वह केवल 10 या 11 साल का था तभी वह तैरना सीखने का निश्चय किया। एक और क्वेश्चन है, देखिए दूसरा प्रश्न, बट YMCA पूल वॉज सेफ, या तो आपके ये किताब में से लाइन लेकर के और पूछ दिया कि हाउ, कैसे YMCA पूल वा जो सेफ था वो कैसे था। हाउ वॉज YMCA पूल सेफ फॉर स्विमिंग, तैराकी के लिए YMCA पूल सेफ कैसे था, सुरक्षित कैसे था? तो अब आप उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि YMCA पूल वॉज सेफ फॉर, यहां पर फॉर भी लिख सकते हैं, एज लिख सकते हैं, बिकॉज लिख सकते हैं। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड एंड 9 feet ड्रॉप एट द अदर एंड। इट्स ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल टू, और उसकी जो ढलान थी वो धीरे धीरे, यानी उसकी गहराई जो थी वो भी धीरे धीरे थी, इसलिए ये सेफ था। आगे देखिए,
आगे राइटर लिखता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, हाउएवर आई हैड एन अवर्जन, अरुचि थी, अवर्जन अरुचि थी, टू द वाटर, पानी से, व्हेन आई वाज इन इट, यानी जब मैं पानी में जाता था तो मुझे पानी से बहुत ज्यादा हिचकिचाहट थी, अरुचि थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 ईयर्स ओल्ड, और यह अरुचि कब स्टार्ट हुई, जब वह सिर्फ 3 या 4 साल का था। कैसे दुर्घटना घटी, एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर मेरे पिताजी है वो मुझे ले गए थे घूमने के लिए। ही एंड आई स्टूड टूगेदर इन द शर्फ, सर्फ एंड झाग, सर्फ यानी झाग या पानी के झाग, मैं और मेरे पिताजी, ही यानी फादर, मैं और वह यानी मेरे पिताजी और मैं साथ साथ झाग में, पानी के झागों में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके साथ खड़ा था। येट द वेव्स नॉक्ड मी, तभी लहरों ने मुझे झटका दिया, एंड डाउन, और मुझे गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई, यानी और मुझे बहाकर ले गई, यानी समुद्र के तट पर वो खड़े थे और तभी वहां पर जोरदार पानी का झटका लगा और पानी की लहरें आई और उन्हें बहाकर ले गई। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, मैं पानी में डूब गया। ब्यूरिड का अर्थ वैसे तो गाड़ना होता है, यानी गाड़ना होता है, वैसे गाड़ना ही हुआ क्योंकि पानी ऊपर से गिरा है, इसलिए यहां पर ब्यूरिड का प्रयोग। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, मैं पानी में डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गोन, मेरी सांसें चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत, मैं भयभीत था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में, मेरे हृदय में एक आतंक या डर बैठ गया, टेरर डर बैठ गया। एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी अनियंत्रित और बहुत अधिक ताकत वाली उन लहरों का डर है वो मेरे दिमाग में बैठ गया। छोटा बच्चा था और उसी समय उसे पानी से डर शुरू हो गया। इससे संबंधित एक सवाल भी आएगा, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय या मेरा शुरुआत, YMCA जो तरणताल था उसमें मेरी जो अनप्लीजेंट यानी अस्वाहनी जो यादें थी, दुखद यादें थी, वो यादें वापस जीवित हो रही थी, रिवाइव हो रही थी, पुनर्जीवित हो रही थी। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, और एक बचकाना भय जो है वो मेरे अंदर उठ रहा था। चाइल्डिश फियर यानी बचकाना भय जो है वो मेरे अंदर अभी भी स्थित था। स्टर्ड यानी स्थित था, बरकरार था। बट इन ए लिटल वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े ही समय में मैंने आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया, आत्मविश्वास बटोर लिया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, आई पेडल्ड, मैं तैरता था, मैं मेरे नए जलपंखों से तैरता था। वाटर पंख यानी जो देश जहां पे सिखाया जाता है तैरना, तो वहां पर क्या करते हैं, जलपंख होते हैं जिससे व्यक्ति डूबता नहीं है। मैं उनसे क्या किया, यानी मैं मेरे उन पंखों से तैरना सीख रहा था। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखता, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग एंड नकल, उनकी नकल करके और तालाब में सीखता था, तैरना सीखता था। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, यानी मैं अलग अलग दिनों में, मैंने ये 2 या 3 बार किया था। आई डिड दिस, मैंने ये किया कब, 2 या 3 बार ऑन डिफरेंट डेज, यानी अलग अलग दिनों में मैंने 2-3 बार किया। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और मैंने तुरंत से एक आराम सा महसूस किया, राहत सी महसूस की इन द वाटर, पानी में मुझे अच्छा लगने लगा। When the misadventure happened, और तभी एक दुर्घटना घटित हो गई। Misadventure का अर्थ होता है दुर्घटना, happened यानी घटित हो गई। तभी क्या हुआ कि कोई दुर्घटना घटित हो गई। क्या दुर्घटना घटित हुई, I went to the pool, मैं तालाब पर गया। When no one else was there, तब वहां पर कोई नहीं था। No one else was there, वहां पर कोई नहीं था। The place was quiet,
स्थान बिल्कुल शांत था, क्वाइट यानी शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, जल स्थिर था, स्टीलिन स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज व्हाइट एज क्लीन एज बास्कट, और टाइल्ड बॉटम अर्थात तालाब का जो टाइलों से जड़ा हुआ जो बॉटम था, पेंदा था, उतना ही सफेद था जितना कि एक बाथ टब है वो क्लीन दिखाई देता, अर्थात तालाब बिल्कुल शांत और क्लियर और क्लीन दिखाई दे रहा था। आई वॉज टिमिड, मैं डर रहा था, टिमिड का अर्थ था डरपोक, मैं डरपोक था अबाउट गोइंग इन अलोन, जल में अकेले जाने में डरता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर द अदर्स, इसलिए मैं तालाब के किनारे पर दूसरी तरफ बैठ गया था। दूसरी तरफ क्यों बैठा था, क्योंकि वह पानी में अकेला जाने से डरता था। अब दो प्रश्न आपको देता हूं जो आपको लिख के भेजने हैं। देखिए आपके प्रश्न है, व्हाट हैपेंड व्हेन डगलस वाज ओनली 3 or 4 years old, डगलस जब 3 या 4 साल का था तो क्या घटना घटित हुई। हाउ डिड द ऑथर बिगिन टू लर्न टू स्विम, तैरना सीखने के लिए लेखक ने क्या किया, मतलब क्या क्या काम किया। व्हाट डिड द नरेटर डू टू लर्न द स्विमिंग, यानी दोनों का उत्तर एक ही है, क्योंकि दोनों में से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उसने तैरना कैसे आरंभ किया और नरेटर ने तैरना सीखने के लिए क्या किया, दोनों में से दोनों का एक ही उत्तर होगा। इसके अलावा व्हाई डिड द ऑथर सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, लेखक तालाब के तीर पर या एक साइड में क्यों बैठ गया था या क्यों बैठा हुआ था। इनके उत्तर आपको लिख करके भेजने हैं। और पाठ का अगला पार्ट देखिए, आगे देखिए, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम इन बिग ब्रूजर, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, यानी मुझे बैठे हुए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ था, हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं यहां ज्यादा लंबे समय से नहीं बैठा था, तभी व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ बॉय, यानी एक दबंग, ब्रूजर यानी दबंग या जिसको हम कह सकते हैं हट्टा कट्टा, एक हट्टा कट्टा दबंग लड़का आया, प्रोबेबली 18 years old, संभवतया 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेहरे पर घने बाल थे, थिक हेयर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसमैन, और वह एक सुंदर शारीरिक नमूना था, अर्थात शरीर से बहुत ही सुंदर था। विद लेग्स एंड आर्म्स, जिसकी टांगे भुजाएं, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जिसकी उबरती हुई मांसपेशियां दिखाई दे रही थी, और वह बहुत ही सुंदर था। ही यल्ड, यल्ड यानी चिल्लाया, वह चिल्लाया, हाई स्किनी, स्किनी दुबले पतले, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, यानी तुम किस प्रकार की डुबकी लगाओगे, आपको कैसी डुबकी लगानी है, ऐसा उन्होंने कहा करके वो चिल्लाया। विद दैट, और उसी के साथ, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठा लिया, चिल्लाया और चिल्ला करके उसी के साथ, ही पिक्ड मी अप, उन्होंने मुझे उठा लिया, एंड टोस्ट मी इन टू द डीप वाटर, डीप एंड, और उन्होंने मुझे गहरे छोर में या गहरे पानी में फेंक दिया, टोस्ट फेंक दिया, और उन्होंने मुझे गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए स्टिंग पोजिशन, मैं बैठी हुई पोजिशन में, बैठे की हुई मुद्रा में ही पानी में गिर गया। स्वालोड वाटर, पानी निगल गया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और अकस्मात ही एक बार में तालाब के पेंदे में चला गया, एकदम जोर से फेंका और जोर से फेंकने वो तालाब के पेंदे में चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था, डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माय विट्स, लेकिन यह डर मेरी नियंत्रण से बाहर नहीं था, अर्थात मैं कोई अचेत नहीं हुआ था, मुझे ध्यान था कि मैं पानी में हूं। ऑन द वे, रास्ते में, डाउन आई प्लांट, जब मैं रास्ते में डूबने लगा, ऑन द वे डाउन, डूबते समय आई प्लांट, मैंने योजना बनाई, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब भी मेरे पैर तालाब को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं वहां से एक बड़ा जंप लगाऊंगा, एंड कम टू द सरफेस, और तालाब की सतह पर आ जाऊंगा, एंड लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर पसर जाऊंगा, एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल,
और पेडल मार करके या अभ्यास करके तैर करके और तालाब के किनारे आ जाऊंगा। जब वो जैसे उसे फेंका तो फेंकते समय उसने क्या योजना बनाई कि मैं ऐसा करूंगा कि तालाब के किनारे आने के लिए मैं वहां से जो ही मेरे पैर टच करेंगे, टच करते ही मैं बिग जंप लगाऊंगा, जंप लगाने से मैं तालाब के सरफेस पर आ जाऊंगा, सरफेस सतह सतह पर आ जाऊंगा और वहां से लाइज फ्लैट ऑन इट और वहां पर पसर जाऊंगा और फिर मैं पेडल लगाऊंगा अर्थात मेरे हाथ पैर मार करके और तैर करके तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। आगे देखिए, इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, डूबने का यह समय बहुत लंबा लगा। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 और वो 9 feet का की जो गहराई है वो 90 की बराबर लग रही थी। एंड बिफोर आई टस्ट बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे पैरों के तालाब के पेंदे को छूने से पहले ही मेरे जो लंग्स है, मेरे फेफड़े है वो फटने लग गए, अर्थात बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जो ही मेरे पैर तालाब को छूते हैं, आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने मेरी संपूर्ण ताकत को एकत्रित किया एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने सोचा कि मैं उछल करके और ऊपर जाऊं, अतः तो मैंने उछलने के लिए जंप लगाया। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैं उस ढक्कन की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा, तैरूंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं धीरे धीरे ऊपर आया। उसने सोचा कि मैं अंदर से जब जंप लगाऊंगा तो बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे बाहर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली एंड सा नथिंग बट वाटर, पानी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, और पानी जो कि गंदा और पीला दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैनिकी, और मेरा दर्द बढ़ने लगा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेप ऑफ रॉफ एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर, आई रीच्ड अप एज इफ, मैं ऊपर पहुंचा और मैंने इधर उधर हाथ पैर मारे रस्सी पकड़ने के लिए, ग्रेव ऑफ रॉफ रस्सी पकड़ने के लिए, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर, लेकिन मेरे पानी मेरे हाथ में केवल पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुटने लगा, सफोकेटिंग यानी दम घुटने लगा, मेरा दम घुटने लगा। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नॉट साउंड केम आउट, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। चिल्लाने की कोशिश की, येल चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट, फिर मेरे आंखें और नाक बाहर आया पानी से, बट नोट माई माउथ, लेकिन फिर भी मेरा मुंह बाहर नहीं निकल रहा था। कहने का अर्थ है कि उसका नाक और उसकी आंखें बाहर आ पाई थी, मुंह तो अभी भी उसका पानी में ही था। आई फ्लैल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह पर मैं हाथ पैर मारता गया, फ्लैल्ड मारता गया, कोशिश करता गया। स्वालोड एंड चॉप्ड, पानी को निगलता गया और मेरे कंठ है वो अवरुद्ध हो गए, यानी मेरे मुंह में पानी जाने लगा और फिर मेरे कंठ अवरुद्ध हो गए, मैं बोल नहीं पा रहा था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, ब्रिंग माई अप, मैंने मेरी पैर ऊपर करने की कोशिश की, बट दी हंग्स एट डेड वेट्स, लेकिन वो बहुत भारी हो गए थे, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, जैसे मुझे लकवा हो गया हो और अधिक कठोर हो गए थे। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक महान ताकत जो है वो मुझे नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, स्क्रीम्ड चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन मेरी चिल्लाहट को केवल पानी ही सुन सका। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर दूसरी बार मेरी जो लंबी यात्रा थी पानी में डूबने की पुनः शुरू हो गई। एक बार पानी से ऊपर आया, अब वहां पर वो पानी पर तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अंदर पानी के द्वारा अंदर खींचा जा रहा था, और अब दूसरी बार वो वापस पेंदे की तरफ डूबने जा रहा था। यहां पर
दो सवाल बनते हैं, तो आपके लिए सवाल है। प्रश्न है आपके कि व्हाई डिड द ऑथर सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, यानी वो पूल के एक तरफ क्यों बैठा। व्हाट डिड डगलस प्लान व्हेन ही वाज सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द पूल, जब वो पानी के पेंदे में जा रहा था, डूब रहा था, तब उन्होंने क्या योजना बनाई। एक तो ये है, एक प्रश्न है आपके कि व्हाट वाज द कंटिन्यूअल वार्निंग ऑफ ऑथर्स मदर, यानी लेखक के मां के द्वारा लगातार क्या चेतावनी थी। आगे देखिए लेखक क्या कहता। आई स्टक एट द वाटर एज आई वाज आई वेंट डाउन, यानी मैं पुनः पानी के अंदर चला गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइटमेयर, यानी एक बुरे स्वप्न की तरह मेरी जो शक्ति है वो एक्सपेंडिंग हो रही थी, यानी मेरी शक्ति है वो क्षीण हो रही थी, यानी मैं नीचे जा रहा था और मैं मेरे जो शक्ति है वो इस प्रकार खर्च कर रहा था जैसे कोई बहुत ही भयंकर स्वप्न आता है और फाइट्स एंड इरेसिस्टिबल फोर्स और एक विरोध नहीं कर सकने वाली शक्ति का सामना कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांसें रुक गई थी, माई लंग्स एक्ट, और मेरे जो फेफड़े हैं वो दर्द करने लगे, एक्ट यानी दर्द करने लगे। माई हेड थ्रॉट, और मेरा मस्तिष्क दर्द करने लगा, मस्तिष्क फटने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने लगे। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात याद थी और वो क्या थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मुझे तालाब के पेंदे से पुनः उछलना है। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और उछल करके तालाब के सतह पर मुझे उससे ढक्कन की तरह आ जाना है। उनके दिमाग में एक ही बात थी कि जो ही मेरे पैर टच होते ही मुझे जंप लगाना है, ये बात मेरे दिमाग में थी। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर पसर जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मेरी भुजाओं से जोर लगाऊंगा, तैरूंगा। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और टांगों से जोर लगा करके। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड वी सेफ, और मैं इस प्रकार तैर करके तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, मैं तालाब का किनारा प्राप्त कर लूंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। यही बात उसके दिमाग में चल रही थी। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और मैं अनंत तक नीचे चला गया। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, यानी पीले पानी के अलावा वहां पर और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और इतना गहरा पानी, इतना पानी जिसमें से होकर के देखा नहीं जा सकता था, वो डार्क वाटर था। एंड देन शीयर, और केवल मात्र स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और वहां पर केवल मेरे मन में डर ने मुझे जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर, मात्र जो डर था, भयंकर जो टेरर था, उसने मुझे जकड़ रखा था। टेरर दैट नाउज नो अंडरस्टैंडिंग, और वो डर, वो भय जिसको कोई समझ नहीं सकता। टेरर दैट नाउज नो कंट्रोल, और वो डर था जिस पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड, और वो डर था जिसको कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है जिसने इसका अनुभव किया हो, एक्सपीरियंस्ड इट। अनुभव के बिना उसे नहीं समझा जा सकता। लेखक के कहने का अर्थ है कि इस प्रकार का डर था जिस डर के बारे में कोई नहीं जान सकता, जिसने यदि ऐसा डर या ऐसा भय या ऐसा आतंक जिसके दिमाग में हुआ हो, वही व्यक्ति समझ सकता है कि उस समय मेरे मन में कैसा आतंक था। आई वॉज शेकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर सिकुड़ रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और पानी में मुझे लकवा मार गया था। स्टिफ रिजिड विद फियर और डर से मेरा शरीर कठोर हो गया था, गतिहीन हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और यहां तक कि मेरे गले में मेरी जो चिल्लाहट है वो जम गई थी, अर्थात मेरी चिल्लाहट मेरे गले से निकल नहीं रही थी,
ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल लिव, केवल मेरा दिल हृदय और मेरे मस्तिष्क की हलचलें या मस्तिष्क की सोच कह रही थी कि मैं अभी जीवित था, यानी मैं मस्तिष्क ये सोच रहा था कि मैं जीवित था और मेरा हार्ट चल रहा था इसलिए मैं मुझे लग रहा था कि मैं जीवित था। एंड दे इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और तभी उस आतंक के मध्य में एक समझदारी की झलक मुझे लगी, अर्थात मेरे दिमाग में एक विचार आया, आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जो ही मेरे पैर पेंदे पर पड़ते हैं मुझे जंप करना है, आई मस्ट जंप, यह झलक मेरे दिमाग में आई। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के नीचे टाइल्स थी। माई टोज रीच्ड आउट ऑफ एज इफ टू ग्रैब देम, माई टोज रीच्ड आउट, मेरे जो अंगूठे थे वो वहां तक पहुंच चुके थे, मानो उसकी उसे पेंदे को पकड़ने की पकड़ रहे थे। जंप आई जंप विद एवरी थिंग आई हैड, और पूरी ताकत के साथ मैंने पुनः जंप लगाया, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप का कोई असर नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अब भी मेरे चारों ओर पानी था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स लेडर्स वाटर विंग्स, मैं रस्सियों की या सीढ़ियों की या जलपंखों की तलाश कर रहा था, मैंने तलाश की, नथिंग बट वाटर, जल के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ए मॉस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और यानी पीले पानी की भयंकर जलराशि ने मुझे जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड मी ऑन मी, और एक भयंकर आतंक है वो गहरे तक मेरे अंदर गहराई तक बैठ गया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस प्रकार एक इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का जो एक महान आवेश होता है उसकी तरह मेरे दिल में बैठ चुका था। आई शुक एंड ट्रेबल्ड विद फाइट, और मैं डर से कांपने लगा। माय आर्म्स वुडंट मूव, मेरी भुजाएं हिल नहीं रही थी। माय लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर गतिहीन हो गए थे, हिल नहीं रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, मैं मेरी माँ को पुकारने लगा। नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अर्थात किसी ने नहीं सुना। एंड देन, और तभी स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, तभी मुझे प्रकाश सा महसूस हुआ। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर थी। माय नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नाक भी बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और अब मैं तीसरी बार वापस डूबने जा रहा था। आई शक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, आई शक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा खींचना चाहा लेकिन पानी मिला, अर्थात मैं सांस लेने के लिए मैंने मुंह खोला और पानी से मुंह भर गया। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वह पीला प्रकाश भी जा रहा था, अब पीला प्रकाश भी गायब हो रहा था। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे का पाठ है वो कल पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड। आज पूरा तो हो नहीं सकता, पूरा होगा तो लगभग एक घंटे से ज्यादा का समय लगेगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज जो जितने सवाल थे उनमें से वो आपको लिख के भेजने हैं, और आपको देखना भी है। एक प्रश्न आपको और दे देता हूं अंत में, प्रश्न है आपके, व्हाई डिड डगलस चूज द पूल इन YMCA टू लर्न द स्विमिंग, स्विमिंग के लिए उसने यही तालाब क्यों चुना, इसका क्या कारण था, ऐसा प्रश्न भी आपके आ सकता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और अगला पार्ट जल्द ही तैयार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।